इस वीडियो में हम देखेंगे मसालेदार तोरई की सब्जी कुकर में कैसे बनाते हैं। 1 किलो तोरई ली है, इसको छील के अच्छे से धुल लिया है। तोरई को अब काट लेते हैं, इस तरीके से 20 से पीसेस करेंगे और इसको बारीक बारीक पीसों में काट लेंगे। सारी तोरई को इस तरीके से काट लिया है। 2 चम्मच प्याज लहसुन का पेस्ट लिया है, कुछ मसाले लिए हैं, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 3-4 पिंच गरम मसाला लिया है, नमक लिया है स्वाद अनुसार। सारे मसालों को प्याज लहसुन पेस्ट में डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसका एक घोल बना के तैयार कर लेंगे। इस पेस्ट को 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे मसाले अच्छे से फूल जाएं। एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें 2 चम्मच के करीब तेल डालेंगे। तेल को गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छे से भुनने देंगे। जीरा अच्छे से भुन गया है, अब इसमें हम पेस्ट डालेंगे जो मसाले का बना के रखा है। मीडियम फ्लेम पे मसालों को लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि इनसे तेल छूटना शुरू ना हो जाए। मसालों से तेल छूटना शुरू हो गया है, यानी कि मसाले भुन गए हैं। अब इसमें तोरई डालेंगे। तोरई को मसाले के साथ में मिक्स करेंगे। तोरई को मसाले के साथ में 1 मिनट तक भूनेंगे, क्योंकि जितना तोरई मसाले के साथ में भुनेगी उतना अच्छा फ्लेवर सब्जी में आएगा। 1 मिनट हो गया है तोरई को मसाले के साथ में भूनते हुए, तोरई से हल्का हल्का पानी छूटने लगा है। तोरई में पानी डालने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि तोरई से पानी छूटता है। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी आने तक सब्जी को पका लेंगे। 1 सीटी आ गई है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, कुकर में प्रेशर खत्म होने देते हैं। कुकर में प्रेशर खत्म हो गया है, सब्जी को चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बन के आई है। सब्जी को बाउल या प्लेट में निकाल लेंगे। तोरई की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।